तो इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनको सोल्व कैसे करते हैं। दो लीनियर इक्वेशन को मैं एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालता है, तो उसको निकालने के लिए ये तीन मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस सेक्शन मेथड। इस वाले लेक्चर के अंदर हम ये दोनों मेथड सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एक एग्जांपल मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का दूंगा, एक एक एलिमिनेशन का। सबसे पहले इस पे स्टार्ट करते हैं और इस पे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड यू अप्लाई करते हैं। तो भाई अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, सिंपल सी बात समझ लीजिए। दो इक्वेशन से आपको नंबरिंग दे दो वन और टू, ठीक है। आप किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे फर्स्ट से चाहे सेकंड से, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू निकाल के वो जो x की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ y, उस x की वैल्यू को जिस इक्वेशन से निकाला है उसमें पुट नहीं करना है, दूसरी वाली के अंदर पुट करना है। समझ आ रही बात? फिर किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दो, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट्स सी। सो मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x + 3y + 1 = 0। तो x की वैल्यू निकाले तो x वाली टर्म को एक साइड भागी, अदर वाली साइड से साइड टर्म्स को एक साइड, तो +3y इधर ट्रांसफर हो -3y और +1 इधर ट्रांसफर हो -1। तो x की वैल्यू निकाले तो x = -3y -1 दिया कॉल में चला गया 2, दैट दिस इज ए वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू निकाल ली मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, अब क्या करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, 6y -2 और x की वैल्यू, x की वैल्यू ही तो पुट करनी है, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, -3y -1 / 2 +8 = 0। ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। देखो तो 6y -2 और 2 ये मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल, अब माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -3y है तो +3y हो गया, और ये माइनस वन है तो प्लस वन हो गया, और ये प्लस एट एजी थी जीरो, सिक्स वाई प्लस थ्री वाई नाइन वाई, और एट प्लस वन नाइन, प्लस नाइन उधर ट्रांसफर हो गया -9। सो वाई इक्वल टू -9 अपॉन 9, कितना आ गया -1। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब वाई की वैल्यू -1 आ गई, ये वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस एक्स की वैल्यू के अंदर, तो एक्स की वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो x की वैल्यू कितनी, x ये रहा -3y -1 / 2, सो x विल बी -3। y की वैल्यू अपने पास में कितनी है, -1, पुट करो यहां पर y की वैल्यू -1 / 2 एज इट इज। ये -1 तो ये इसके कारण आया, ये -1 y की -1 वैल्यू होने के कारण है, y की वैल्यू -1 है ना, इसलिए मैंने पुट करी -2 - प्लस और 3 * 3 3 * 1 3 -1 / 2 x x = 3 -1 2 / 2, सो x विल बिकम, तो x की वैल्यू बना गई और y की वैल्यू माइनस बना गई, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, किसी भी एक इक्वेशन से आपको x की वैल्यू निकालनी है और दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर देनी है, और पुट करने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना, नॉर्मली वो y की वैल्यू देगा और फिर y की वैल्यू जो निकाली है वापस, वो वापस आपको x की वैल्यू के अंदर डाल देनी, वो x की वैल्यू दे देगा, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट्स सी एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसी वाले क्वेश्चन को करें या दूसरे वाले क्वेश्चन को, बताइए। तो मेरे हिसाब से दूसरा क्वेश्चन लेना चाहिए अपने को, या फिर इसी को लेते हैं, चलो एलिमिनेशन इसी को ले लेते हैं, अपना जो आंसर आया ना वो भी आंसर आएगा, x की वैल्यू आई थी 1 और y की वैल्यू आई थी -1, है ना। अभी तो इसी को अब दूसरे मेथड से सॉल्व करता है, बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देखो, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करना कि आपको या तो x के या फिर y के कोफिशिएंट को सेम करना। अभी कोफिशिएंट क्या चीज है, कोफिशिएंट ये है, जैसे देखो इसमें y का कोफिशिएंट कितना है 6, x का कोफिशिएंट कितना है -2, 3 y का कोफिशिएंट कितना है इसमें 3, x का कोफिशिएंट कितना है 2, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट समझ में आ गया, मतलब उसके आगे वाला नंबर, तो कोफिशिएंट को सेम करना, या तो x के कोफिशिएंट को सेम करो या फिर y के, या बोल रहा हूं मतलब दोनों में से किसी एक, दोनों के कभी मुश्किल होंगे कुछ एक स्पेशल केस के अंदर ही हो सकता है, बाकी नहीं होंगे। तो अपने को या तो x की कोफिशिएंट सेम करना है या फिर y के। तो देखो मैं सॉल्व करता हूं, दोनों इक्वेशन को एक बार पहले इजीली लिख दो, आप ये लिख दिया
साथ में लिख लो। और एक चीज और देखो, इन दोनों में क्या है, अभी देखो मैंने जो ये एग्जांपल बनाया है, एग्जांपल में थोड़ा हेरा फेरी करिए, कैसे करिए, मैंने x के नीचे x नहीं लिख रखा, y के नीचे x y नहीं लिख रखा, तो मैं इनको थोड़ा सेटल डाउन कर देता हूं दूसरी इक्वेशन को, तो माइनस टू एक्स है ना, तो इसको x के नीचे लिखूंगा माइनस टू एक्स, ओके। और सिक्स वाई है प्लस का, तो y के नीचे लिखूंगा सिक्स वाई, बाकी ये वाले टर्म तो इसके नीचे ही आएंगे, ठीक है, सेटल डाउन कर दिया x को x के नीचे, y को y के नीचे, विदाउट x y को विदाउट x y के नीचे। अब क्या करना, मेरे को कोफिशिएंट सेम करना है, तो मेरे को कोफिशिएंट सेम करना, तो मैंने कहा चलो y के कोफिशिएंट सेम करते हैं, y के कोफिशिएंट कैसे सेम करेंगे, तो y में यहां 6 स्क्वायर यहां कितना है 3, तो मैंने क्या किया, जो छोटा वाला होता है मैं उसको मल्टीप्लाई करने की सोचता, मेरे को डिवीजन में थोड़ा ज्यादा दिक्कत आएगी, तुम्हारे को भी समझने में दिक्कत आएगी, तो अपने क्या करना, मल्टीप्लीकेशन इजी, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 हो गया, क्योंकि इन दोनों को मेरे को इक्वल करना है, y के कोएफिशिएंट को मैं सेम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं देखना, तो पूरी इक्वेशन को कर रहा हूं हर टर्म मल्टीप्लाई, ये भी होगा 2 2 = 4x 2 3 = 6 बाय प्लस 2 1 2 इक्वल्स टू 0 * 0 0 * 2 0 होगा, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसको एज इट इज देखो, क्यों, क्योंकि हमारे को y का कोएफिशिएंट सेम करना, अब y के कोएफिशिएंट सेम हो गए, देखो प्लस 6 प्लस 6, अब क्या करना, अब साइन चेंज कर दो, क्या कहते हैं, क्यों दो साइन, साइन आपको नीचे वाले को देख के ही साइन चेंज करना है ना, ऊपर वाले से कोई साइन का मतलब नहीं, नीचे वाले को देख के, तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, आप नीचे वाली इक्वेशन को देख के साइन चेंज करके, अब क्या करना, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 6y और ये माइनस के 6y हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो जीरो हो गया, प्लस के 4x और ये भी प्लस के हो गए, ये माइनस के नहीं रहे, अब ये वाले साइन जो है ये गायब हो चुके हैं, ये वाला साइन नहीं रहेगा, अब ये वाला साइन है, इनके जो साइन है, इस 2x का साइन प्लस है, 6y का साइन माइनस है, और 8 का साइन माइनस है, ठीक है, सो अब क्या है, 4x और प्लस 2x कितना होता है 6x प्लस के, और प्लस 2 और माइनस 8 कितना होता है माइनस 6 इक्वल्स टू 0, सो 6x इक्वल्स टू माइनस 6 को मिला तो क्या प्लस 6, x इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई, जो देखो पिछले वाला है मैं तरफ से भी x की वैल्यू बना दी, और x की वैल्यू बनाई है, वो फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, चाहे या तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो, या फिर इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देते, चलो इसमें पुट कर देते, सो 2 x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू x की जगह पर 1 प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो 2 प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो 3y 1 2 1 और 2 कितना हो गया 3 प्लस 3 उधर गया तो माइनस 3, सो y इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 3, सो y विल बिकम माइनस 1, तो y की वैल्यू माइनस 1 आई, जो भी पहले वाले मेथड में आई, दिस इज कॉल्ड इलिमिनेशन मेथड, तो इलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, या तो x की कोफिशिएंट को इक्वल करना है, या y के कोफिशिएंट को इक्वल करना, मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा इलिमिनेशन मेथड का, उसके बाद में हम ये लेक्चर वर्क करेंगे, इलिमिनेशन मेथड का एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, और फिर इसको एंड करते हैं, तो इलिमिनेशन मेथड देखते हैं, फाइव एक्स अपॉन थ्री माइनस टू वाई अपॉन सेवन इक्वल टू वन, और टू एक्स अपॉन फाइव माइनस थ्री वाई अपॉन सेवन इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, रैंडमली। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन पे अपन इलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, अब थोड़ा जो है फ्रैक्शन आ गया ना, तो अब थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपली सॉल्व हो जाएगा, देखो चलो शुरू करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया, हम क्या करते हैं y के कोएफिशिएंट को सेम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, x के भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं तुम्हारे को एक चीज बार बार सिखाना चाह रहा हूँ ताकि तुम्हारे को वो कंप्लीट हो जाए, फिर y x पे भी चले जाओगे तो समझ में आ जाएगा, तो y के कोएफिशिएंट सेम करना है, तो यहाँ 2y/7 है या 3y/7, तो क्या करो, छोटे टर्म को इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 6 6 हो जाएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो 2 3 6 6/7 और 6/7 इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझ में आएगा बस, तो लेट्स ट्राई, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 5x / 3 * 3 माइनस 2y / 7 * 3 इक्वल्स टू 1 * 3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और ये
2x upon 5 into 2 minus 3y upon 7 into 2 equals to minus 2 into 2. Equation number second. ठीक है, अब क्या करना, 3 से 3 कैंसिल, बस और कुछ तो कैंसिल हो गया. और अब क्या करना, नीचे वाला साइन चेंज करते हैं. साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया. ये वाला कैंसिल हो गया. देखो 6y, इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ वापस. देखो तो 5x माइनस 6y अपॉन 7 इक्वल्स टू 3, और यहाँ आ गया 4x अपॉन 5 माइनस और माइनस प्लस, ये हो गया 6y अपॉन 7 इक्वल्स टू माइनस 4. ठीक है, अब साइन चेंज हो ही गया था. अब ये तो दोनों सेम हो गए, क्योंकि माइनस 6y बाई 7 और ये प्लस 6y बाई 7, ये वाले साइन कैलकुलेट हो गए. ये वाले नहीं, ये वाले सारे साइन जो है अब कैलकुलेट नहीं होंगे. ये वाले जो साइन है, ये वाला साइन कैलकुलेट हो गया. तो ये प्लस 6y बाई 7 के लिए माइनस 6y बाई 7 कैंसिल. अब इनको ऐड कर देते हैं, ये 5x प्लस का और ये माइनस के 4x बाई 5. ओके, और इधर क्या हो गया 3 और ये प्लस के 4. 3 प्लस 4 कितना हो गया 7. इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसके अकाउंट में 1 कंसीडर करके एलसीएम ले लेते हैं. सो देखो तो क्या है, 5 में एलसीएम कितना आ जाएगा, 5. तो 5 में एलसीएम ले लिया 5, और फिर क्या हो जाएगा 25 क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ऐसे लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो. तो 5 * 2 5 5 * 1 5 और 5 5 * 25x, सो 25x और 1 4 * 4x 4x इक्वल्स टू इधर कितना आ गया 7. अब क्या 25 - 4 कितना हो जाएगा 21x, इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 35, सो x विल बिकम 35 / 21. 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 5 * 35 तो 7 3 21, सो x विल बिकम 5 / x क्यूब बाय 3 आ गई. x क्यूब बाय 3 किसी भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या इनमें किसी में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी. चलो निकाल लेते हैं. सो 5 बाय 3 इनटू x की वैल्यू पुट कर रहा हूं 5 बाय 3 माइनस 2y बाय 7 इक्वल्स टू 1. सो माइनस 2y बाय 7 इक्वल्स टू 1, ये कितना होगा 25 बाय 9. 25 बाय 9 उधर गया तो माइनस 25 बाय 9 एलसीएम ले लेते हैं. माइनस 2y बाय 7 इक्वल्स टू एलसीएम वापस हुई, नीचे वाले को मल्टीप्लाई, इसको इससे 9 * 1 9 और 25 * 1 25, ये कितना होगा 9 - 25 कितना होगा - 16 / 9. तो अब कितना बच गया, y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा - 16 * 7 / 9 * - 2. तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से ये 8 टाइम कैंसिल, बस और कोई कैंसिल नहीं हो रहा. 8 7 = 56 / 9. So y will become 56 upon 9. Y will become 56 upon 9 and x will become 5 by 3. This is called elimination method. Thank you. Done.